केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना और यहां के क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जौरा से ग्वालियर, जौरा के अलावा जाने वाली मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अभी तक ग्वालियर से जौरा तक चलती थी, अब इसे जौरा से आगे बढ़ाकर कैलावस तक कर दिया गया है। इसका उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक और बड़ी मांग कर दी है। बता दें कि इस मेमू ट्रेन के विस्तार के लिए मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अगस्त 2024 में पत्र लिखा था। एक महीने के अंदर अंदर मंत्री वैष्णव ने इसको स्वीकृत कर दिया था और दो महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत से इस रेल लाइन का रविवार को उद्घाटन भी हो गया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि कैसे उनकी नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयास से इस मेमू ट्रेन की स्वीकृति हुई और मात्र 20 दिन के भीतर रेल मंत्रालय ने ट्रेन को कैलावस तक चलने का फैसला लिया। इसी के साथ सिंधिया ने मंत्री वैष्णव से कहा कि अब जरूरत है कि हम इस रेल लाइन को कैलावस से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक लेकर जाएं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। और मुझे विश्वास है कि जब हम दोनों अश्विनी जी और हम और नरेंद्र सिंह जी जब ये त्रिकोणी बन गई है तो जिस गति से ग्वालियर से जौरा तक लाइन पहुंची है उस गति से जौरा से अरे ऐसा तो मत करो भैया। अब हुई ना बात, रेल मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्योपुर के साथ अगर जुड़ जाएगी तो खुश होगे। कहां तक चाहिए? श्योपुर से कोटा तक भी का लाइन रेल मंत्री जी आपको जनता की मांग पूरी करनी होगी। स्वीकृत हो चुकी है पर तीव्र गति, आपकी गाड़ी मालगाड़ी नहीं चलती, आपकी गाड़ी शताब्दी नहीं चलती, आपकी गाड़ी गतिमान नहीं चलती, आपकी गाड़ी वंदे भारत नहीं चलती, आपकी गाड़ी तो बुलेट ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन। तो हमारी जनता को भी बुलेट ट्रेन के रफ्तार से ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से अभी मुझे मजा नहीं आया श्योपुर से